सामाजिक कुरीतियों और मतदान के प्रति जागरूकता अभियान के तहत चंद्रकांति रमावती देवी महिला पीजी कॉलेज दीवान बाजार के में वॉल पेंटिंग प्रदर्शनी में प्रतिभागियों को मुख्य अतिथि बुद्ध संग्रहालय के उप निदेशक डॉक्टर मनोज कुमार गौतम ने पुरस्कार देकर सम्मानित किया। पेंटिंग प्रदर्शनी में लगभग 50 छात्राओं ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में कलाकारों ने वॉल पेंटिंग के माध्यम से सामाजिक कुरीतियों, शत प्रतिशत मतदान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सहित विभिन्न विषयों पर छात्राओं ने अपनी कला का प्रदर्शन किया था। इस अवसर पर बुद्धा संग्रहालय के उप निदेशक डॉक्टर मनोज कुमार गौतम, चंद्रकांति रमावती देवी पीजी कॉलेज के प्रबंधक डॉक्टर राकेश मिश्रा, प्राचार्य डॉक्टर अपर्णा मिश्रा, डॉक्टर रेखा रानी सहित कॉलेज के अन्य शिक्षक शिक्षिकाएं और प्रतिभागी छात्र छात्राएं मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुरी संवाददाता से बात करते हुए बुद्धा संग्रहालय के उप निदेशक डॉक्टर मनोज कुमार गौतम और प्रबंधक डॉक्टर राकेश मिश्रा ने कहा। देखिए, पांच दिवसीय ये कार्यशाला का आयोजन हमने कॉलेज के माध्यम से किया गया था और इसमें बच्चों ने प्रतिभाग किया था और इस कार्यशाला में बच्चों ने कला के वो बारीकियाँ वो गुण सीखे और निश्चित रूप से उनको आगे अपना कैरियर बनाने में और इस कला के क्षेत्र में उनको सहयोग प्रदान करें। विद्यालय द्वारा आयोजित पाँच दिवसीय कार्यशाला में पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई थी जिसमें बाहर के भी प्रतिभागी और महाविद्यालय के प्रतिभागियों ने 50 की संख्या में यहाँ पे भाग लिया था जिसमें जन जागरूकता के प्रति, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के प्रति और सारी चीज़ों पर जो है पेंटिंग्स प्रतियोगिताएँ आयोजित की गई थी जिसमें प्रतिभागियों में जो है ए से एन तक के ग्रुपों में बांटा गया था। उन ग्रुपों को लेकर के चला गया और जिसमें उनको जो है फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड प्राइज बांटा गया महाविद्यालय की प्राचार्या द्वारा और डॉक्टर रेखा रानी शर्मा जो कला विभाग की प्रवक्ता के रूप में आप यहाँ पर वर्क करती हैं। पूरी तरीके तन्मयता के साथ आप लोगों ने यहाँ पर कार्य किया और इस कार्य में बच्चों ने जो सहभागिता दिया उनको इसके लिए आज ये आयोजित कार्यक्रम में यहाँ पर भाग लिया।